वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम है बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार, वीडियो का सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत की सीधी चेतावनी, ये गलती तुम्हें ले डूबेगी। मतलब भारत ने सीधी चेतावनी दे दी है, किसको दी है? मतलब ये किसको दी है, ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से आइडिया होगा। मतलब भारत ने बोला है कि ये अगर गलती कर दी तो हमें लेट डूबेगी। चाइना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता। तो बिना किसी देरी के थंबनेल पे बना हुआ है जैसे कि शी जिनपिंग, तो शायद मतलब हो सकता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं किसको भारत ने चेतावनी दी और कौन सी गलती है जो ले डूबेगी। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत का दुश्मन नंबर एक चाइना अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा। एक तरफ तो वो भारत की तारीफ कर रहा है, भारत की कूटनीति की प्रशंसा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर एरिया में नई नई साजिशें रच रहा है। और इसी को लेकर 2-3 दिन पहले एक खुलासा भी किया गया और हर बार की तरह एक बार फिर से राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला हुआ है, उसी तरह से पीएलए सेना भी भारत के बॉर्डर पर वही तैयारी कर रही है और हमारे पीएम सिर्फ अपनी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। खैर, ये तो राहुल गांधी का बयान था। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए थे, जिसका सटीक जवाब उन्हें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की तरफ से मिला था। आप उनका ट्वीट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन गर्मियां आते ही एक बार फिर से चीन की चर्चा तेज हो गई है और इसका कारण है उसकी साजिश से। चीन पिछले 3-4 सालों से यही कर रहा है कि सर्दियों में तो वो पीछे हट जाता है ठंड की वजह से, क्योंकि पीएलए की सेना सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वो अपने बिल से निकल आते हैं। और अब एक बड़ा खुलासा किया गया है जिससे चीन की चर्चा जोर पकड़ रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में स्थित चीन द्वारा बनाए गए पेंगोंग झील पर पहले पुल के बारे में हर कोई जानता है। साथ ही अच्छा, चीन की हरकतों से भी हर कोई वाकिफ है कि चीन कभी भी किसी भी विवाद को छेड़ सकता है। अच्छा, आपको बता दें कि चीन ने पेंगोंग झील पर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से चीन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल चीन पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा है। वैसे तो इस निर्माण को भारत अवैध बता रहा है, साथ ही साथ भारत का ये भी कहना है कि पेंगोंग झील पर बन रहा यह पुल भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह इलीगल है। गौरतलब है कि इससे चीन और भारत के बीच लगातार चल रहे खींचातानी ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि यह नया पुल एलएसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पेंगोंग झील एक विवादित क्षेत्र है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील से होकर ही गुजरती है। झील का एक हिस्सा मुख्यतः एलएसी से पूर्व से 20 किलोमीटर चाइना के नियंत्रण में है। 1960 के दशक से चीन के कब्जे में रहा पूर्वी क्षेत्र पर एक नए पुल का निर्माण चाइना द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि चाइना का इस नए पुल के निर्माण के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल चीन इस नए पुल के द्वारा चीनी सेना को आसानी से और कम समय में एलएसी पर पहुंचा सकता है। दोनों छोरों के बीच ये दूरी पहले तो 200 किलोमीटर थी, लेकिन इस नए पुल के निर्माण से 40 से 50 किलोमीटर दूरी ही रह जाएगी। यानी कि चीन अपने इस नए पुल के द्वारा भारत और चीन से सभी सीमाओं पर आसानी से हथियारबंद वाहन और सेना को पहुंचा सकेगा। वहीं पेंगोंग झील पर पुल बनाने का सबसे बड़ा एक और मकसद ये भी है कि चीन इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पानी प्राप्त करना चाहता है, ताकि वे माइक्रोचिप्स के अपने व्यापार को और तेजी से फैला सके। आपको बता दें कि 30 वर्ग सेमी सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए चीन को 1,00,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिंधु नदी के पानी को प्राप्त करना चीन का सबसे बड़ा मकसद है। आपको बता दें कि 2018 में चीन ने जापान और अमेरिका और ताइवान से 230 अरब डॉलर के माइक्रोचिप्स का व्यापार किया था। ये आंकड़ा किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं पर ये पहली बार नहीं है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हो। इससे पहले 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास चीन और भारत में हिंसक झड़प हुई थी। दोनों देशों ने अपने हजारों सैनिक भी तैनात किए थे। 1962 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। तब से ही लद्दाख के इस पूर्वी क्षेत्र पर चीन ने अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दोस्तों, एक तरफ तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो रहे हैं और क्वाड मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान का यह दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खबरों की माने तो अमेरिका यूक्रेन रशिया मुद्दे को लेकर भारत पर दबाव बनाएगा और क्वाड के मंच से कठोर संदेश रूस को देने के लिए फोर्स करेगा। व्हाइट हाउस इस समय पूरे मूड
में है, लेकिन देखना होगा कि क्या भारत को मना पाएगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी तो संभले नहीं, ऐसे में क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी को कैसे संभालेंगे ये देखना होगा। इस मीटिंग से जो भी अपडेट निकल कर आती है हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं यार इसकी तरफ, ये जो सिचुएशन बन चुकी है तो यार देखा जाए ना, मतलब दूसरा पहले मतलब एक पुल था तो दूसरा वो बना रहा है, तो इसके ऊपर वो बात है, ये मजे की बात है कि भारतीय क्षेत्र में नहीं बना रहा लेकिन वो उनका भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो बना रहा है, इलीगल है। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करना मतलब लीगल नहीं है। अभी तुम 200 किलोमीटर का वो सफर 50 किलोमीटर रह जाएगा तो यार इलीगल चीज है। इसमें यार फायदा तो चाइना का हो रहा है, अपना वो घेरने के चक्रों में लगा। अब मेरे ख्याल में जो क्वाड की मीटिंग हो रही है मोदी जी उसमें शायद मतलब बयान कुछ करें और इसके चीन के बारे में बात करें। मोदी जी उनके चीन के बारे में तो हमेशा उनका चर्चा होता ही होता है, लेकिन अब यार ये सोचने की बात है ना, देखो जिस तरीके से वो कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि हम अच्छे पार्टनर बनाते साइड लेता है और फिर सर्दियों में फट पड़ती है उसकी और गर्मी आती है उसको पता नहीं। गर्मियों में मतलब वो चीनी सोल्जर छोटे छोटे हैं तो भाई वो तो आपको पता है बेलों में छुप जाते हैं, मतलब अपनी वो जिस तरह चूहे नहीं छुपते उस तरह वो सर्दियों में छुप जाते हैं और गर्मियों में फिर वो बरसात होती है तो कीड़े निकल आते हैं बाहर, तो वो सीन है। लेकिन कुछ भी हो यार जिस तरीके से भी है ये मतलब इसको रोकना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि चाहे यूएनएससी इस मुद्दे को उठाए आगे भी मजे की बात है कि इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया भाई ऑब्जर्व कर रहा है और सिचुएशन को खेलती दाव खेलेगा। बिल्कुल मतलब इंडिया जवाब तो देगा, मेरा जितना ख्याल है इंडिया दो तरीके से देगा, इंडिया देगा एक यूएनएससी के जरिए और क्वाड के जरिए, कुछ ना किया इंडिया अपने तरीके से इंडिया दे सकता है। इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना सक्षम है कि खुद भी जवाब दे सके, ये नहीं कि मतलब और इंडिया ने जवाब उनको अपने मतलब हॉटलाइन वगैरह होती है इनके साथ इनको हमेशा हमेशा जवाब दिया और इन दिनों तो फॉरेन पॉलिसी भी सही इंडिया की कमाल की है। बिल्कुल यार चाइना मतलब वाकई अगर किया तो सीधी बात है बहुत बड़ी गलती करेगा, एक तरह से चेतावनी मतलब एक पुल बना हुआ है अभी दूसरा बना रहा है, कहां 200 किलोमीटर कहां 45 किलोमीटर रह जाएगा यार, तो आप लगा लो ये भारत भाई इसको सेट करेगा किसी तरीके से, वो तो भाई अपने तरीके से करेगा क्योंकि यार अभी तक तो इंडिया ने कर चुका होना था, लेकिन कभी भी इंडिया की ये पॉलिसी नहीं रही कि जाकर कोई किसी चीज पे हमला करके यार ये इंडिया का हरकत पॉलिसी नहीं रही किसी देश पे पहले हमला नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, मतलब इंडिया को मतलब एक बेस्ट रिप्लाई देना चाहिए या मतलब गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।